अगर मैं आपसे ये पूछूं कि ऑनलाइन पैसे कमाने के तरीके कौन कौन से हैं, तो आई एम श्योर आप यही बोलेंगे यूट्यूब, ब्लॉगिंग, राइटिंग। उसके ऊपर मैंने एक वीडियो भी बताया था जिसमें मैंने आपको 5 रियल वेज बताए थे ऑनलाइन पैसा कमाने के, और उसमें मैंने बताया भी था कि आप कैसे पैसे कमा सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा था तो आप ऊपर दिए हुए लिंक पर जाके देख सकते हैं, और उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। तो अब बात करते हैं YouTube की। तो आपको क्लियरली पता होगा कि YouTube पर पैसे लोग कमाते हैं, राइट? और आपको ये भी पता होगा कि लोग वीडियोस बना के पैसे कमाते हैं। तो कुछ लोग हैं जो ऑनलाइन पैसे कमाना तो चाहते हैं पर वीडियोस बनाना नहीं चाहते, शायद उनसे बनता नहीं कि उनका मन नहीं होता, ऐसे बहुत सारे कंडीशंस होते हैं, बिजनेस भी हो सकती है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप बिना वीडियोस बनाए, बिना अपने वीडियोस बनाए भी ऑनलाइन पैसे कमा सकते हैं। इसमें आपको करना ये है कि आपको इंटरनेट से कॉपीराइटेड फ्री वीडियोस डाउनलोड करने हैं और उन्हें अपने चैनल पर अपलोड करना है और उसे मोनेटाइज करना है। तो अब ये क्वेश्चन है कि कॉपीराइटेड फ्री वीडियोस मिलेंगे कहाँ से, उनको कैसे अपलोड करना है, हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कॉपीराइट स्ट्राइक ना मिले, क्योंकि अगर आप कॉपीराइटेड वीडियोस अपने चैनल में डालते हैं तो आपका चैनल बंद भी हो सकता है। सो इस पूरे वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि आप कॉपीराइटेड फ्री वीडियोस कैसे डालते हैं। सो ये ट्रिक जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने ऐसा बहुत कुछ बताया है जिससे आप बहुत ही सिक्योरली बिना यूट्यूब पर अपने वीडियोस बनाए हुए पैसे कमा सकते हैं। तो आप प्लीज ये वीडियो देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन हर एक टॉपिक पर लगभग मिलते रहती है, चाहे वो लेटेस्ट न्यूज हो, टेक्नोलॉजी से जुड़े टिप्स और ट्रिक्स हो, या फिर हो कुछ मोटिवेशनल काइंड ऑफ वीडियोस। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो स्टेप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ यूट्यूब लाइसेंस के बारे में। तो यूट्यूब के दो तरीके के लाइसेंस होते हैं, एक होता है स्टैंडर्ड लाइसेंस और दूसरा होता है क्रिएटिव कॉमन्स। अगर किसी वीडियो में स्टैंडर्ड लाइसेंस है तो इसका मतलब वो वीडियो आप अपने चैनल पर यूज़ नहीं कर सकते हैं। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको कॉपीराइट क्लेम मिल सकता है। पर अगर किसी वीडियो में क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस है तो इसका मतलब जो वीडियो का ओनर है उसने आपको उस वीडियो को रीयूज़ करने की परमिशन दी हुई है। आप उस वीडियो को, क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले वीडियो को, कमर्शियली भी यूज़ कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम कैसे पता करें कि कौन से वीडियो में किस तरीके का लाइसेंस है, क्योंकि हम हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर तो चेक नहीं कर सकते हैं कि उस वीडियो का क्रिएटिव कॉमन्स का लाइसेंस है या स्टैंडर्ड लाइसेंस है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि किस वीडियो का कौन सा लाइसेंस है। तो देखिए, जैसे अगर हमें कोई भी, जैसे मुझे वीडियो सर्च करना है, फॉर एग्जांपल मैं सर्च कर लेती हूँ हाउ टू क्रिएट अ पेपर फ्लावर। अब सर्च करने के बाद आपको यहाँ पर ये वाला बटन दिखेगा, फिल्टर्स, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद अब आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा, क्रिएटिव कॉमन्स, आप इस पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करते ही आपको वो सभी वीडियोज़ की लिस्ट मिल जाएगी जिसका लाइसेंस था क्रिएटिव कॉमन्स। अब आपको जो भी तरीके का वीडियो चाहिए होगा आप वो सर्च कर सकते हैं, जैसे हाउ टू लर्न इंग्लिश या समथिंग लाइक दैट, कोई भी वीडियो। तो लेट्स ओपन दिस वीडियो फॉर एग्जांपल। इस वीडियो को ओपन करने के बाद अब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे शो मोर पर। शो मोर पर क्लिक करते ही आप देख सकते हैं कि इस वीडियो का जो लाइसेंस है वो है क्रिएटिव कॉमन्स एट्रीब्यूशन लाइसेंस रीयूज्ड अलाउड, मतलब आप इस वीडियो को अपने चैनल पर यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात ये आती है कि हम इस वीडियो को कैसे यूज़ करें, यानी कि डाउनलोड करें और अपने चैनल पर अपलोड करें तो क्या काम हमारा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं है। इस वीडियो को आप डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकते हैं, उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। कंडीशन ये है कि आपको इस वीडियो को अपने चैनल पर अपलोड करने से पहले इसे एडिट करना पड़ेगा, और वो भी जो यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो वीडियो एडिटर है वहाँ पर आपको एडिट करना पड़ेगा। अगर आप वहां से एडिट कर लेते हैं वीडियो को तो आप फिर अपने चैनल पे इसको अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बता देती हूँ कि आपको कैसे आप वीडियो को एडिट करेंगे। तो हमारे पास जैसे ये वाला वीडियो था, मैं इसको कॉपी कर लेती हूँ। अब हम जाएंगे क्रिएटर स्टूडियो में। क्रिएटर स्टूडियो में जाने के बाद आपको क्लिक करना है यहाँ पर क्रिएट पर। इसके बाद आप जाएंगे वीडियो एडिटर में। अब आप वीडियो एडिटर में आ चुके हैं, यहाँ पर आपको वो सारे वीडियोस दिख रहे हैं जो आपने अपने चैनल पे अपलोड किए हुए हैं। अब आपको ये जो सेकेंड ऑप्शन दिख रहा है वो है सीसी यानी क्रिएटिव कॉमन्स। अब आप यहाँ पर चले जाएंगे,
अब देखिए यहाँ पर ये सारे वीडियोस हैं जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले हैं, यानी आप इनको अपने चैनल पे यूज़ कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर सर्च करना था, हम कौन सा वीडियो सर्च कर रहे थे, हाउ टू मेक ए पेपर फ्लावर, एंड आपको सर्च एंटर मारना है। सर्च करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पर ये वाला वीडियो था जो हमने अपने लिए सिलेक्ट किया था कि हमको अपने चैनल में इसको अपलोड करना है। वैसे मैंने जो कॉपी किया था हम यहाँ पर सिंपली पेस्ट कर सकते थे, वही बात थी। तो कुल मिला के हमारे पास ये वीडियो की लिस्ट आ चुकी है जो जो क्रिएटिव कॉमन्स लाइसेंस वाले हैं। अब आप इंडिविजुअली वीडियोस को ओपन करके देख सकते हैं कि आपको कौन सा वीडियो अच्छा लग रहा है और आप अपलोड करना चाहते हैं अपने चैनल पे। तो लेट सपोज हमने ये वाला वीडियो सिलेक्ट कर लिया। अब इस वीडियो को हम ड्रैग करके ये टाइमलाइन पर ड्रॉप कर देंगे। देखिए तो अब ये वीडियो हमारे टाइमलाइन पर आ चुका है। अब आप चाहें तो टाइमलाइन की साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो देखिए अब आपको इस वीडियो को एडिट करना है। आप यहाँ पर अपना कुछ, अगर आप बैकग्राउंड ऑडियो चाहें तो वो रिकॉर्ड करके यहाँ पर ऑडियो फाइल ड्रैग करके यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं वो फाइल, या फिर आप चाहें तो अपना इंट्रो या आउट्रो क्लिप जो भी होगा वो आप यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। ओके, कुल मिला के आप अपने हिसाब से एडिटिंग कर देंगे। जैसे यहाँ पर मुझे ऑडियो एडिट करना था तो मैं यहाँ पर क्लिक कर दूँगी। अब देखिए यहाँ पर हमारे ये ऑडियो फाइल्स हैं सारी। इस ऑडियो फाइल को मैं ओपन कर लेती हूँ कोई भी, फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स ओपन दिस। इसको मैंने यहाँ पर ड्रैग कर दिया। ओके, ये ड्रैग करने के बाद हमारे पास ये म्यूज़िक आ गया। इसका हम साइज़, वॉल्यूम कम ज़्यादा सब कुछ कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चाहें तो दो क्लिप्स को मिक्स कर सकते हैं, फ़िल्टर एडिट कर सकते हैं। जैसे हम फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाला फ़िल्टर एडिट कर देते हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ पर अपना टेक्स्ट वगैरह भी कुछ रख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर क्लिक करेंगे आप इनेबल टेक्स्ट पर, तो इस वीडियो में हमारा ये लिख के आ गया। इसकी आप साइज़ कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर जब आपका वीडियो एडिट हो जाएगा तो अब आप यहाँ पर जाकर इस वीडियो का जो नेम है उसको भी चेंज कर सकते हैं। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल इस वीडियो का नेम रख देती हूँ। नाम लिख देने के बाद अब आप क्रिएट वीडियो पर क्लिक कर देंगे। क्रिएट वीडियो पर क्लिक करते ही आप इस तरीके का वीडियो देखेंगे कि वीडियो प्रोसेस हो रहा है। तो जैसे ही वीडियो प्रोसेस हो जाएगा और अपलोड हो जाएगा तो आप इस वीडियो को जाके अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। अब देखिए इस जो वीडियो का जो टाइटल है वो तो हमने चेंज कर दिया था, पर इस डिस्क्रिप्शन में ये लिखा हुआ है कि आई क्रिएटेड दिस वीडियो विथ यूट्यूब वीडियो एडिटर, तो हम तो ये नहीं चाहेंगे रहे। तो अब आपको इसको जाके चेंज करना पड़ेगा। तो चेंज करने के लिए आप ये इन्फो इन सेटिंग्स पर जाएंगे और यहाँ पर आप जो टाइटल और इन्फॉर्मेशन और जो भी आपको लिखना होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन आप अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो जो सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बताना चाहती थी वो ये था कि ये वीडियो आपने क्रिएटिव कॉमन्स वाला वीडियो अपने चैनल पर अपडेट किया है। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है वो ये है कि इस वीडियो का लाइसेंस आपको क्रिएटिव कॉमन्स ही रखना पड़ेगा। इस वीडियो का लाइसेंस आप स्टैंडर्ड नहीं रख सकते हैं। अगर आप इस वीडियो का लाइसेंस स्टैंडर्ड रखेंगे तो कोई भी आकर इस वीडियो पर क्लेम कर सकता है कॉपीराइट और आपका चैनल बंद हो सकता है। तो अगर आप कोई वीडियो क्रिएटिव कॉमन्स वाला अपने चैनल पर अपडेट करते हैं तो मेक श्योर कि आप उस वीडियो का लाइसेंस जो है वो क्रिएटिव कॉमन्स ही रखेंगे। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जैसे वीडियो अपडेट हो जाएगा तो आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड यूट्यूब लाइसेंस दिख रहा है। आप इधर क्लिक करते तो आपको एक क्रिएटिव कॉमन्स वाला ऑप्शन भी मिल जाता, फिर आप उस ऑप्शन पर क्लिक करके इस वीडियो को क्रिएटिव कॉमन्स बना सकते थे। तो ऐसा करते ही आपका चैनल एकदम सिक्योर रहेगा और आप इजीली इस वीडियो को अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं, मोनेटाइज कर सकते हैं और बिना मेहनत किए बहुत ही आसानी से यूट्यूब से पैसे कमा सकते हैं। तो बस ये वीडियो यहीं तक था। इस तरीके से आप क्रिएटिव कॉमन्स की वीडियोस डाउनलोड करके, क्रिएटिव कॉमन लाइसेंस वाले वीडियोस को डाउनलोड करके अपने चैनल पर अपलोड कर सकते हैं। नॉट डाउनलोड करके बट उसको अपने ही यूट्यूब चैनल पर एडिट करके, राइट, क्रिएटर स्टूडियो में जाके। तो कैसे एडिट करना है वो भी मैंने आपको बता दिया, कैसे आपको क्या क्या कंडीशंस का ध्यान रखना है कि आप पर कॉपीराइट स्ट्राइक ना आए वो भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप इस टॉपिक से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन समझ चुके हैं, आपको सब कुछ समझ में आ गया है। पर अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछ सकते हैं।
मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाऊं। और अगर आप किसी और टॉपिक पर भी चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं, क्योंकि ये वीडियो भी ऑन रिक्वेस्ट था, मुझे किसी ने रिक्वेस्ट किया था कि मैं ये वीडियो बनाऊं, तभी मैंने बनाया। तो आप भी चाहते हैं कि आपके दिए हुए टॉपिक पर मैं वीडियो बनाऊं, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, पर इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब किए बिना और इस वीडियो को लाइक किए बिना मत जाइएगा। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।